हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में लूसेंट सामान्य ज्ञान के प्राचीन भारत के बारे में और मध्यकालीन भारत के बारे में। इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग आधुनिक भारत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह का पूर्ण नाम है मुअज्जम। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। शाह जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने के आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। किसे? फर्रुखसियर को। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यंत अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो रानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां को की हत्या कर दी थी। यही बात कर लें कि हम लोग मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापकों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अवध। अवध के संस्थापक था सादत खां हैदराबाद, चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ छा जा है, फिर है रोहिलखंड। तो यहाँ का शासक था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। बंगाल का शासक था मुर्शीद कुली खान। कर्नाटक का शासक था सदुदुल्ला तुल्ला खान। भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह था यहाँ का शासक। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। ठीक है, आगे देखते हैं। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। याद रखिए, ईरान के शासक सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस तथा कोहिनून हीरा लेकर फारस वापस लौट गया ईरान। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह आलम द्वितीय अली गुहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 में वो शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। कई बार पूछा जो कुछ चुका है, ये अंतिम मुगल सम्राट का कौन था? तो याद रखिए, बहादुर शाह सेकंड जाफर। यही बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर मुगल कालीन सम्राटों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बहादुर शाह। तो ये रहा है 1707 से 1712। जहांदार शाह, ये 1712 से 1713। फर्रुखसियर, ये रहा है 1713 से 1719। मोहम्मद शाह, ये रहा है 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह, ये रहा है 1748 से 1754। आलमगीर सेकंड, ये रहा है 1754 से 1759। आलम
शाह आलम द्वितीय के 1759 से 1759 से 1806, अकबर द्वितीय तो ये रहा 1806 से 1837, बहादुर शाह जाफर ये रहा 1837 से 1857 तक। ठीक, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जाफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। इसने 8 बार भारत का आक्रमण किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्बेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो याद रखिए 505 में फ्रांसिसी द अल्बेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल का वायसराय बनकर आया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ठीक है, 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डहस्टमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मृत्यु हुए बेदरा युद्ध से हुआ था इनका। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी थी क्या सूरत में 1608 में खोली गई। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुस्लिम पट्टनम में व्यापार कोठी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूता दूती कालीकट कालीघाट गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यह फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी थी। अब बात कर लेते हैं कंपनी और उनकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हुई 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हुई 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हुई 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हुई 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हुई 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हुई 1731 में। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1678 में स्थापित की गई, याद रखना। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना की। किसने? फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना की 1674 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1776 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी
उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए ई ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो याद रखिए, ए ला सापल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया। उसी की जगह गोडह्यू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडुचेरी पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। तो याद रखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? एला सापल, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई पांडुचेरी की संधि। ठीक, फिर होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तीसरा युद्ध। ये होता है 1756 से 63 ईस्वी बीच में, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंग था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरपुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। फिलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। फिलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेना के रॉबर्ट क्लाइव था पश्चिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के बाद कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंधेर मुगदलपुर में स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब सुजादौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। याद रखिए, एक तरफ से अंग्रेजों लड़ रहे थे, दूसरी तरफ थे मीर कासिम अवध के नवाब सुजादौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था। अब बात कर लेते हैं, यही हम देख लेते हैं बंगाल के नवाब। तो मुर्शीद कुली खां, ये 1713 से 1727 तक रहा। सुजाउद्दीन, ये 1727 से 1739। सरफराज खान, ये 1739 से 1740। अली वर्दी खान, ये 1740 से 1756। सिराजुद्दौला, ये 1756 से 1757। मीर जाफर, ये 1757 से 1760। मीर कासिम, ये 1760 से 1763। मीर जाफर, ये 1763 से 1765। निजाम उद्दौला, ये 1765 से 1766। सैफ उद्दौला, ये 1766 से 1770 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है मुबारक उद्दौला, ये 1770 से 1775 तक। यही बात कर लेते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया।
5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बात करते हैं अंग्रेजों के मैसूर संबंध से। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर का शासक बना। कौन? हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। ठीक, 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही जेकोबिन क्लब का सदस्य बना। याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है जी, श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था इसने, किसने? टीपू ने। ठीक, यही बात कर लेते हम लोग प्रमुख योद्धों के बारे में और वर्ष और गवर्नर। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये 1767 से 1769 तक में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1780 से 1784, वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल इसके कार्यकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 में, कारण बालिश के समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलिजली की। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। महत्वपूर्ण संधियां, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलूर की संधि हुई 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 में। ठीक है, याद रखिए तीनों संधि की, मद्रास की संधि 1769, मंगलूर की 1784, श्रीरंगपट्टनम की 1792। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अब बात करते हैं हम लोग सिख धर्म, सिख और अंग्रेज, सिख एवं अंग्रेजों के बारे में। सिख समुदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। प्रथम गुरु थे गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बहादुर बादशाह वावर एवं वायु के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। गुरु नानक ने अपने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला, पंगत, लंगर स्थापित किए थे। ठीक, आगे बात करते हैं। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई गुरु नानक की। फिर बात करते हैं गुरु अंगद, तो 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। गुरुमुखी लिपि, कौन सी? गुरुमुखी लिपि, लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास, 1552 से 1574 ईस्वी तक। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण को विचलित किया। फिर है अकबर के गुरु। अमरदास ने गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीवी बहानी को कई गांव दान दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीवी के पति रामदास सर 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। कौन? रामदास। अकबर में ने बीवी बहानी को 5 बीघा भूमि दी गुरु रामदास। इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया।
और अवस्था नगर की स्थापना की। रामदास ने गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार गुरु पद को पैतृक बनाया रामदास ने। गुरु अर्जुन 1581 से 1605 तक सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। और गुरु अर्जुन ने इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। किसने? याद रखिए, जहांगीर ने। सिखों के छठे गुरु हुए हरगोविंद 1606 से 1645। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी की थी। किसने? गुरु गोविंद ने। सिखों के सातवें गुरु की बात करें तो हर राय 1645 से 1661 हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हुए हरि किशन 1661 से 64। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। हरि किशन की दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के नौवें गुरु हुए तेज बहादुर 1664 से 75 तक। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीश गंग में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। ठीक। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक। इनका जन्म हुआ 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए पांच ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, किपाड़, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पावता थी। इनके दो पुत्र हुए फतेह सिंह और जोरावर सिंह। सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चढ़वा दिया था। इनके दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो याद रखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप में दिया और कहा कि गुरुवाणी सिख समुदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। बंदा बहादुर इसका जन्म 1670 में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता थे रामदेव भारद्वाज राजपूत। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करना था। इसके लिए लोहेगढ़ को राजधानी बनाया इसने, बंदा बहादुर ने। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए बंदा बहादुर ने। बंदा ने सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। साहदरा कत्तलगड़ी के नाम से विख्यात है, ठीक, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों की मौत के घाट उतारा। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा जस्सा सिंह लुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया।
मिसल अरबी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ है समान। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ। सोकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इसके दादाजी चरण सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798 से 1799 इसमें रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 में को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। याद रखिए, अमृतसर की संधि हुई मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। रणजीत सिंह का राज 4 रूपों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था फकीर अजुजुद्दीन एवं वित्त मंत्री था दीनानाथ। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई संधियों के बारे में बात करें तो लाहौर की संधि ये 9 मार्च 1846 को हुई, और भैरो याल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना के प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेजी कमांडर गफ के बीच मध्य हुई लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चेनाव नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। सिख राज के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 1760, फिर पुनः दोबारा बना 1765 से 1767। याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक रहे पहले, दूसरी बार 1765 से 1767 तक रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की जिसके तहत राजस्व वसूलने एवं सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की थी, नवाब के हाथों में होती थी। तो याद रखिए, द्वैध शासन में मतलब में राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के पास रहते थे और शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास रहती थी। तो याद रखिए, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, याद रखिए इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर वरले लामट 1763 से 1769 तक रहा। कार्टियर 1769 से 1772, बोरिंग हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल।
कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। किसके मेन जो गवर्नर अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसके तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल गवर्नरों को कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के क्लब के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर, कंपनी का गवर्नर जनरल बना। फिर आया वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करें तो 1774 से 85 तक रहा है। 1785 तक इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवान अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1752 ईस्वी में जोनाथम डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम बिलिंग्स को हेस्टिंग्स ने ही आश्रय दिया था। इसी के समय सर विलियम जॉन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सर विलियम जॉन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 20 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत पर पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था इसको। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ते के बाहर का मुकदमा सभी पूना सुना जाता था। जब दोनों पक्ष सहमत हों तो इसमें बंगाल ब्राह्मण सभा नंद कुमार पर झूठा मुकदमा लगाकर न्यायालय ने से फांसी की सजा सुनवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 82 तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 बोरिंग हेस्टन के समय में ही लड़े गए। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सालवाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टन 8 फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चला लगाया गया, परंतु 1795 में इसी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। फिर आता है सर जॉन मैक फर्सन 1785 से 86, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से 1793 तक और 1805 ईस्वी में आया था। इसी के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भ्रमण
करने वाली अदालतों में, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस आधार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसने जिला में पुलिस थाना की स्थापना पर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है लॉर्ड, इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को लगभग 10% अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोन ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक, याद रखिए, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। फिर आता है सर जॉन सोन, 1793 से 1858 तक हस्तक्षेप की नीति अपनाई इसने, सर जॉन सोन। फिर आता है लॉर्ड बेलेजली, 1758 से 1805 सहायक संधि की पद्धति शुरू की लॉर्ड बेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्यों की बात करें तो हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया ने 1804 में, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा लॉर्ड बेलेजली के समय ही हुआ था। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। याद रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में लॉर्ड बेलेजली के समय में ही हुई थी, इसी ने की थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं सर जॉर्ज वार्लो, 1805 से 1807 तक। बेलोर में सिपाही विद्रोह इसके काल में ही की महत्वपूर्ण घटना है। बेलोर में सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ था? सर जॉर्ज वार्लो के। फिर आया लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इसी के साथ चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। तो याद रखिए, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ये भी याद रखिए, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? रणजीत और अंग्रेजों के बीच, लॉर्ड मिंटो के प्रथम के कार्यकाल में हुई थी। और इसके काल में एक कारोबार हुआ, चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ। अब बात करते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ। इसे नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। याद रखिए, संगोली की संधि
अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता में वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान थे। इसने मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसने फ्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर फ्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी से समय 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लागू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड एम हर्सर्ट 1823 से 1828 तक। इसके समय में प्रथम आंग्ले बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 तक। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडो की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। फिर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33 तक। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर बेलूर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्न याद रखना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने इस प्रथा के कानून खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा महिलाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले का कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुरुग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसे शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चलिए तो हम बात करते हैं चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836 तक रहा चार्ल्स मैटकॉफ। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। फिर आया लॉर्ड ऑकलैंड, याद रखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया, चार्ल्स मैटकॉफ को। फिर आया लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक। इसके समय में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 में। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की का मरम्मत करवाया। फिर आया लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 44, प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ इसी के कार्यकाल में। सिंध को अगस्त में 1833 में पूर्ण रूप से विदेशी साम्राज्य में मिला लिया गया। दासप्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। फिर आता है लॉर्ड एलिनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक रहता है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1843 से 46, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, इसने लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में हुआ। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पेगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया सिक्किम पर। ठीक, 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रह जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्यों में विलय किए गए राज्य थे सतारा, सर्वप्रथम सतारा 1848, जैतपुर बुंदेलखंड और सांबलपुर उड़ीसा ये 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। ठीक, याद रखिए इनकी डेटें भी याद रखिए क्योंकि कई बार क्रम में लगाने के लिए आ जाता है, पूछ लेता है। सतारा का 1838, जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। सन 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया इसने। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में बुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्निक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी स्कूलों कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता मद्रास बम्बई के में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। तो याद रखिए कई बार पूछा जा चुका है रेलवे का जनक डलहौजी है। वो सबसे पहले भारत में चली 16 अक्टूबर 1853। वनडे एग्जाम में ये डेट भी पूछ लेता है तो याद रखिए इसको, 16 अप्रैल 1853 ये चली थी बम्बई से थाड़े के बीच और 34 किलोमीटर। ठीक है, 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ डलहौजी के काल में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। याद रखिए 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में ही सन 1856 में विधवा
पुनर्व्यवहार अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। ब्रह्मगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। फिर आता है कैनिंग के बाद आता है लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया और 1863 में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हुई हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 तक। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसे चैमवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। फिर आता है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। सबसे पहले याद रखिए लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के काल में। एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। तो याद रखिए और जनगणना भी 1872 में प्रथम बार लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। याद रखिए जनगणना भी लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम बार हुई थी। फिर आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। इसके समारोह में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थविक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ था, नॉर्थ ब्रुक के समय। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। फिर आता है लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80 के बीच। यह प्रसिद्ध उपन्यासकार लॉर्ड लिट्टन निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में इसे ओवन मैरी डेथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बंबई मद्रास हैदराबाद पंजाब मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिट्टन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसी के लॉर्ड लिट्टन के समय मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। भारतीय समाचारों पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड लिट्टन ने। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम विकास को प्रतिबंध करने के लिए आया था। सोम विकास को बात करते हैं, पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय सन 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से हटाकर 29 वर्ष कर दी। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। लिट्टन के समय अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना हुई। फिर आता है लॉर्ड रिपन 1880 से 85। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसने स्थानीय सुशासन की शुरुआत की। इसी के समय भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। याद रखिए ये नियमित जनगणना थी, मेयो के काल में हुई थी प्रथम जनगणना।
तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है नियमित। भारत में पहली बार देखिए, भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्वर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। ठीक, अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। ये रहा है 1884 से 1888 तक। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 88 हुआ। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया लॉर्ड डफरिन के काल में। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुए। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1885 में 28 दिसंबर 1885 में बंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, एक तो ये याद रखिए 18 दिसंबर 1885 बंबई में हुई थी एओ ह्यूम के नेतृत्व में, और ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, इसकी स्थापना। अब बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी व्यवस्था की गई लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। फिर आया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ठीक है, 1895 से 98 मध्य उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में। फिर आया लॉर्ड कर्जन, ये रहा 1899 से 5 तक। कर्जन ने 1901 में सबसे पहले सर कॉलिन एक्कॉट स्कॉट मॉनक्रीव की अध्यक्षता में एक सिंचाई विभाग सिंचाई आयोग, सर 1902 में सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। तो याद रखिए, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई, लॉर्ड कर्जन के काल में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। इसने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की का गठन भी किया लॉर्ड कर्जन ने। इसने लॉर्ड कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्योटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के समय लॉर्ड कर्जन के समय के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 1905 में बंगाल का विभाजन। याद रखिए 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक। इसके समय में आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। याद रखना यार, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई आगा खां और सलीम उल्ला के नेतृत्व में और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसने इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मेंटो वार्ले सुधार अधिनियम 1909 में
9 के ईस्वी के द्वारा किया गया। फिर आया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी से 1915 तक, इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 को मैं दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। यहाँ पर बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आपको यहाँ बता दो, तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई 1911 में, लेकिन दिल्ली में भारत की राजधानी बनी 1912 में। ठीक है, याद रखिए लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में विभाजन रद्द हुआ। तो याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में, और रद्द कब हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इथम्बे से युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड अबाया लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के का एकीकरण हुआ, मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1917 में शिक्षा पर सेडलर आयोग का गठन हुआ। इसी के समय में 1919 में रोलेक्ट पारित हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण में। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 में जलियावाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। याद रखिए, ये भी याद रखिए, जलियावाला हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी का असहयोग आंदोलन इसी के समय हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। फिर चेम्सफोर्ड के बाद आता है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक, 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो याद रखिए चोरी चोरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। तो याद रखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना हुई स्वराज पार्टी की 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। लॉर्ड रीडिंग के काल में प्रेस फ्रेंड्स ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल आयोजित किया गया। 1921 में मोगला विद्रोह हुआ इसी के काल लॉर्ड रीडिंग के कालकाल में। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 में M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। याद रखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1921 में M.N. रॉय द्वारा किया गया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सिद्धानंद की हत्या कर दी गई थी 1925 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। अब आता है लॉर्ड एरविन, ये 1926 से 31 तक रहता है। लॉर्ड एरविन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। कब, 3 फरवरी 1928 को। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। इसी के समय लॉर्ड इरविन के समय हुई लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की।
और भूख हड़ताल के 63वें दिन यानी कि 13 सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय और एवं अंग्रेजों के दिनों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला बहिर्भाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो याद रखिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 1930 में पहली बार मनाया गया था। ठीक, तो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं आगे, 12 जनवरी 1930 में लंदन में प्रीतम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, साथ ही में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में। अब आता है लॉर्ड बिलिंगटन 1931 से 36 तक, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक, याद रखिए ये डेट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया, तो कांग्रेस की का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। याद रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, एक 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग कर मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने की को कहा गया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता याद रखिए, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, कांग्रेस में ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, द्वितीय में लिया था, तृतीय में नहीं लिया। बिहार में 1834 में भयंकर भूकंप आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड बिलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिंघा ने की थी, लॉर्ड बिलिंगटन है। ठीक है, अब आता है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। लॉर्ड लिनलिथगो के समय कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस ने। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। तो याद रखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को। आगे देखते हैं 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 1942 में कांग्रेस किप्स मिशन भारत आया, 1842 में आया किप्स मिशन भारत आया, और अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को।
9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। याद रखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। अब बात करते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक रहा। शिमला समझौता 1945 में हुआ, शिमला समझौता 1942 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में है, याद रखिए कैबिनेट मिशन 1946 में है। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड किप्स और पेंथिक लॉरेंस ए बी अलेक्जेंडर। तो याद रखिए कैबिनेट मिशन आया 1946 में, इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड किप्स पेंथिक लॉरेंस ए बी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी के थे ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाएगी। तो याद रखिए 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी के थे ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो याद रखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लुडियर लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल गोपालाचारी हुए। यही बात कर लेते हैं हम लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में। आंदोलन प्रभावित क्षेत्र संबंधित नेता और नेतृत्व समय कब हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। प्रभावित क्षेत्र बिहार बंगाल, संबंधित नेता थे इसके केना सरकार दिर्जी नारायण। ये 1760 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। फिर हुआ फकीर विद्रोह, ये बंगाल में हुआ फकीर विद्रोह। इसके नेता थे मजनून शाह एवं चिराग अली। ये 1776 से 1777 तक हुआ। फिर हुआ चुवारों विद्रोह, ये बांकुड़ा बंगाल में हुआ। तो ये हुआ दुर्जन सिंह इसके नेतृत्व करता थे, 1798 ईस्वी में हुआ। फिर बात करें पोलिगरों का विद्रोह, तो ये तमिलनाडु में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता थे या नेता थे वीर पी कट्टावामान, 1799 से 1801 में हुआ। ठीक। फिर आया बेला टम्मी विद्रोह, तो ये ट्रावणकोर में हुआ। मेलु थम्पी इसके नेतृत्व थे 1808 से 1809 के बीच हुआ। फिर बात करते हैं भील विद्रोह, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ। सेवाराम इसके नेता थे, 1825 से 1831 के बीच हुआ। रमोसी विद्रोह, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ। इसके नेता थे चित्तर सिंह, 1822 से 1829 के बीच हुआ। पागलपंथी विद्रोह, ये असम में हुआ। टीपू इसके नेता थे, 1825 से 1827 के बीच हुआ। अहोम विद्रोह असम में हुआ। गोमधर कुंवर इसके नेता थे, 1828 में हुआ। वहाबी आंदोलन, तो ये बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ। सैयद अहमद तूती मीर इसके नेतृत्व करता थे, 1831 में हुआ। कोल आंदोलन, यह छोटा नागपुर में हुआ झारखंड। गोमधर कुंवर इसके नेता थे, 1831-32 में हुआ। खासी विद्रोह, ये असम में हुआ। तीरथ सिंह इसके नेता थे, 1833 में हुआ। फरायती आंदोलन, तो ये बंगाल में हुआ। सरियातुल्ला टूटू मियाँ इसके नेता थे, 1838 से 1848 के बीच हुआ। नील विद्रोह, तो ये बंगाल बिहार में हुआ।
तिरुत सिंह इसके नेता थे 1854 से 62 में। संथाल विद्रोह ये बंगाल और बिहार में हुआ। सिद्धू कान्हू इसके नेता थे 1855 से 56। मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे 1899 से 1900 के बीच। पाई विद्रोह उड़ीसा में हुआ। बक्सी जगबंधु इसके नेता थे 1817 से 1825 के बीच। नील आंदोलन बंगाल के में हुआ। दिगंबर इसके नेता थे 1859 से 60 के बीच। पावना विद्रोह पावना बंगाल में है। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल इसके नेता थे 1873 से 76 के बीच हुआ है। दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ। ये हुआ था 1874 से 75 के बीच। मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल में हुआ। अली मुल सियार इसके नेता थे 1820 से 22 के बीच। कूका आंदोलन ये पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर इसके नेता थे। ये हुआ था 1922 के बीच। रंपाओं का विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ। सीताराम राजू इसके नेता थे 1879 से 1922 तक। ताना भगत आंदोलन ये बिहार में हुआ। जत्रा भगत इसके नेता थे 1914 में। तिवंगा आंदोलन तो ये बंगाल में हुआ। कंपाराम सिंह और भवन सिंह इसके नेता थे 1946 में। तेलंगाना आंदोलन आंदोलन ये 1946 में हुआ। ठीक है। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया जो 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। अब बात करते हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। याद रखिए मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं 1857 की महान क्रांति की प्रमुख केंद्र। ये केंद्र हो गए भारतीय नायक हो गए विद्रोह की तिथि हो गई। ये ब्रिटिश नायक हो गए विद्रोह का दबाने वाले एक तिथि विद्रोह दबाने की। सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली की। तो यह भारतीय नायक जो शासक थे बहादुर शाह जाफर और बख्त खां सैन्य नेतृत्व किया बख्त खां ने। तो इन्होंने विद्रोह की तारीख की है 11 से 12 मई 1857। यह विद्रोह दबाने का दिल्ली में विद्रोह दबाया किसने? निकलसन एवं हडसन ने। याद रखिए इन नेताओं को भी याद रखिए भारतीय और ब्रिटिश नायकों को याद रखिए क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो दिल्ली यहाँ का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। और यहाँ विद्रोह का दबाने का नेतृत्व किसने किया? निकलसन एवं हडसन ने। 21 सितंबर 1857 को दबाने की तिथि है। फिर बात करते हैं कानपुर। कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब और तात्या टोपे 5 जून 1857। ठीक है। यहाँ कानपुर में दमन किसने किया 1857 की क्रांति में? तो ये थे कैंपबेल 6 सितंबर 1857। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल थी यहाँ 4 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया। कैंपबेल मार्च 1857 में इन्होंने विद्रोह दबाने का काम किया। तो याद रखिए कानपुर और लखनऊ में विद्रोह किसने दबाया? कैंपबेल ने। अब बात करते हैं झांसी। तो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की शासिका 1857 में। युवराज ने यह ब्रिटिश नायक था जिसने विद्रोह दबाने का काम किया। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी थी। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली थे यहाँ के नेता 1857 ईस्वी के। और यह विद्रोह दबाने का काम किया कर्नल नील ने 1858। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह थे यहाँ के नेता अगस्त 1857 में। और विलियम टेलर एवं बेंसेंट
आयर ने यहाँ विद्रोह दबाया 1898। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां 1897, तो वेंसेंट आयर 1898 उन्होंने दबाया। फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला थे 1857 ईस्वी में, 1898 में वेंसेंट आयर ने दबाया। फतेहपुर यहाँ अजीम उल्ला थे, जनरल रेनले रेनर्ड 1897 इस उन्होंने दबाया। तो सब देख लेते हैं हम लोग एक बार। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने और बख्त खान ने। कानपुर में नाना साहब दफ्तर टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद खां, फतेहपुर में अली मुल्ला खान। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित और रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुंडगी छोटा सिंह, कोल्हापुर के अन्नाजी फडणवीस, तात्या मोतित, मद्रास के गुलाम घोष, सुल्तान बख्श, चिकलकुट के अरणगिरी कृष्णा, कोयम्बटूर के मुलवागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ला सली कौनजी मरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उनका भतीजा सन्यासी भूपति, गंजम में राधा कृष्ण दंड से तथा असम में दीवान मनीराम दत्त थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बाकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बाकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। याद रखिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने 1887 में। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखिए, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? डफरिन ने। करजन ने क्या कहा था? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये करजन ने कहा था। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वाकिम चंद चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। नौरोजी दत्त और बादशाह ने धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1800 हेंसबरी से 1852 में चुनाव जीता। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। याद रखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे दिए गए। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। 1893 वर्ष एक परिवर्तन बिंदु है, इसे भी देख लेते हैं क्या हुआ इस लाइन। 1853 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 अमेरिका, 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। याद रखिए, एक तारीख याद रखिए, 1853 सितंबर 1853 में
तेरानवे, 1800 सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट में न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। गृह स्वामी विवेकानंद को ये शिकागो कब गए? 1893 में। 1893 में 14 वर्ष की बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई और 1893 में उन्होंने एक लेख माला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे बनारस शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1853 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो याद रखिए, 16 नवंबर 1893 में एंथनी बेसेंट भारत आए और 1853 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 तो बस महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। स्वदेशी आगे देखते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर की कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल, उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, 1907 वाली थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की। पहले के समय जनत जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं ए स्टर्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर एवांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, वरिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? पी मित्रा ने, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर 1904 में अभिनय भारत नामक संस्था की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे पी एन बापट। बन बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पथ केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 शिवाजी उत्सव मनाया न प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रकाल का संपादन परांजपे ने किया। विपुल चाकी और खुशीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जंग किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुशीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई।
खुशीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक है, 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां के को इसका अध्यक्ष बना दिया गया मुस्लिम लीग का। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। फिर 21 दिसंबर 1919 को अनंत कनहरेर ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल हुआ। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में किराए पर लिया। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसमें के परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, लाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत साहा एवं बलराज। बाल मुकुंद वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे। याद रखिए, मास्टर अमिंद चंद और संबंधित अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बने और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। तो याद रखिए, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 में हुई लाला हरदयाल के नेतृत्व में। 1915 की बात करें तो 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई, गरम दल और नरम दल। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला एजेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की 1916 में। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने का प्रेरित के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो याद रखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। याद रखिए, चंपारण
बिहार में 1917 में सर्वप्रथम सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में महात्मा गांधी ने किया। चंपारण का विद्रोह 1917 में हुआ। चंपारण के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में के समर्थन में की थी। तो याद रखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। गांधी जी 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। इन्होंने 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरोध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब? 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सतपाल और सिफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। तो याद रखिए, डॉक्टर सतवाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी, तो इसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। इसे ही अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। हंसराज अगला शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। जनरल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। 5 अंग्रेज और 3 भारतीयों सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहेब जादा सुल्तान अहमद जगत नारायण सदस्य थे इसके। कांग्रेस ने जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की। इसके अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया। तो याद रखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1 दिसंबर 1920 को हुआ। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा हुई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी को मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत थे। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत।
1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगा गांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष बने। याद रखिए, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष बने कांग्रेस के। सचिन सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। तो काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेड़ी, रोशन सिंह, अशफाकउल्ला खां को दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। सचिन सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ फांसी पर लटक गई। संभवतः अशफाकउल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। याद रखिए, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसमें वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं इसे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। अब यही बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में, पंडित जी के बारे में। इनका चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म हुआ भावरा झाबुआ जिला वर्तमान अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में। जन्म हुआ था इनका 23 जुलाई 1906 को। पिता थे इसके सीताराम तिवारी और माता थी जगरानी देवी। शहीद स्थल है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 में सामान्य संगठन से थे नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे बात करते हैं, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटू किशोर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में, याद रखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे लाहौर अधिवेशन की। 31 दिसंबर 1929 को रात में 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 9 तिरंगे झंडे को फहराया। इसी दिन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। याद रखिए, डांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को निकले और
पहुंचेगा 6 अप्रैल 1930 को, दांडी पहुंच गए गांधी। आगे देखते हैं 8 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन पैक्ट हुआ, इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को हुआ, महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। याद रखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। किसे? भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। कौन सी डेट है? 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी, याद रखिए। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित 85 पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर कि सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मा दत्त, ठीक है। तो पहले याद रखिए विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मा दत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता लावक्स में खली कुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 दिसंबर 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को भी नजर बंद कर दिया गया।
9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसकी? आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों के नाम है, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, तो टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाण नहीं माना गया। तो याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फार्मूसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लगने से मारे गए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी 1897। आगे बात करते हैं, आजाद हिंद फौज को गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर सहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी को मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी इनकी। तो याद रखिए, किस किस पर चलाया गया था दिल्ली लाल किले पर मुकदमा? पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्ले, मेजर सहनवाज खां। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के एन काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी ऐसे की फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के सैनिकों द्वारा किया गया था। 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। तो याद रखिए, मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। कब? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 5 सदस्य 26 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी किपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
क्लीमेंट इटली इटली लेबर पार्टी के थे। तो याद रखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेके जेबी किपलानी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबेरी करने के कारण फणिंद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से दो बार त्याग पत्र दिया, 1925 में और 1930 में। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से दो बार त्याग पत्र कब कब दिया, तो 1925 और 1930। ठीक है, बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनद्वीप ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्मा समाज का प्रतिपाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। वरुण स्त्री सभा के सदस्य स्थापना कलकत्ता में हुई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया आर समाज ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी, याद रखिए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बने थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाली क्रांतिकारी खुशीराम बोस थे, याद रखिए। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुशीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे जय सिंह हेल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसी बात कांग्रेस करके कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू जी का। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा, तो याद रखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, याद रखिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा किसने कहा था गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। ठीक, सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु किसके थे, एमजी गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे एमजी रनाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, देशबंधु चितरंजन दास। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को।
शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न नग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरी जियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरी जियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई मोरिजियो के कहा जाते हैं। गोपाल हरी देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का वास्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए ओ ह्यूम ने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेवजी। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। याद रखें, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने किप्स प्रस्ताव पर कहा था कि वह यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, इट इज पोस्ट डिटेक्टेड चेक। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। याद रखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल के अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था। तो ये हो गई संस्थाएं और ये हो गए स्थापना वर्ष संस्थापक। तो बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी। तो इसकी स्थापना हुई 1784। विलियम जॉन्स ने इसकी स्थापना की। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जॉन्स। फिर है आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1825 में 1826 में सॉरी युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डेरो जियो। ब्रह्मा समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्व बोधनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। फिर हमारा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरी देशमुख ने। रहनुमाई मजदायान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी ने की इसकी स्थापना। बालिका विश्वविद्यालय 1851
51 ज्योतिबा फुले ने की, इसकी स्थापना। मोहम्मद डन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863, अब्दुल लतीफ ने इसकी स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खान ने की इसकी स्थापना। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने की इसकी। पूना सार्वजनिक सभा 1867, ए जी रनाडे ने की। प्रार्थना समाज 1867, केशव चंद के सहयोग से एम जी रनाडे आत्माराम पांडुरंग पांडुकर देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ने की थी। फिर बात करते हैं वेद समाज, तो 1867 आचार्य केशव चंद सेन, सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले ने की इसकी। अलीगढ़ मंडन डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, सर सैयद अहमद खान ने की इसकी। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष ने की इसकी स्थापना। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने की इसकी स्थापना। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी 1882, मैडम ब्लाट ब्लाट वस्की एवं कर्नल अलकाट ने की। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883, ब्योम चंद्र बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए ओ ह्यूम ने की। फिर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज मेहता तेलंग एवं तेवजी ने की। वेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889 रामाबाई ने की इसकी स्थापना। रामकृष्ण मिशन 1857 स्वामी विवेकानंद ने की इसकी। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने की इसकी स्थापना। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एवं सलीम अल्लाह उल्लाह ने की इसकी स्थापना। अनुशीलनी समिति 1907 श्री वरेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने की। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी ने की। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। ठीक, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल काशीराम ने की इसकी। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। होम रूल लीग तो 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट ने की। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने की। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु ने, संस्थापक थे इसके। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 ए एम जोशी इसके संस्थापक थे। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल ने इसकी स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर जी ने इसके संस्थापक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेड गेवाल। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह छबील दास यशपाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह ने इसकी स्थापना की। खुदाई खिदमतगार 1930 अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में महात्मा गांधी संस्थापक थे इसके। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर इसके संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे। आजाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। तो ये प्रमुख संगठन थे, संस्थाएं, और जिस सन में बने वो भी, और संस्थापकों को देख लिया हमने। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। तो ये आंदोलन है और ये वर्ष हो गया जिस सन में हुई है, संबंधित विषय एवं व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई। ए ओ ह्यूम ने की इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। फिर आया बंग भंग आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, बंगाल के विभाजन में के विरुद्ध में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 आगा खान एवं सलीम उल्ला खान ने ढाका में की। फिर आया कांग्रेस का विभाजन 1907, नरम एवं गरम दल में विभाजित हुई, सूरत फूट। फिर आया होम रूल आंदोलन 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट ने शुरू किया था। फिर आया लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। फिर आया मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काला कानून भी कहा जाता है इसे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर आया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जनरल डायर ने इसमें शामिल था, इसने किया था। अमृतसर खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920 को, जलियावाला बाग से संबंधित थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ यहाँ। असहयोग आंदोलन तो ये 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, इससे संबंधित व्यक्ति थे महात्मा गांधी। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924, सचिंद्र सन्याल साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध में उनकी लाठी पर हुआ उनके ऊपर। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 गुजरात के किसानों की का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अक्टूबर 1929 सॉरी 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। आगे बात करते हैं नमक सत्याग्रह, ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना शामिल था इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1929, 1930 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को, महात्मा गांधी एवं वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई इसमें। फिर आया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर 7 सितंबर 1931 गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। फिर आया कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932
मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, फिर आया पूना पैक्ट सितंबर 1932। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो बढ़कर 148 कर दिए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और S.M. जोशी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, S.M. जोशी। आगे बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। इससे संबंधित थे सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग की बात करें तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये मांग की गई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिन लेथगो के समय में हुआ है। किप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टीफर्ड किप्स की। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी से संबंधित थे। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ये मुंबई में हुआ। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पेंथिक लॉरेंस, सर एस्टीफोर्ड किप्स, पेंथिक लॉरेंस सर स्टीफोर्ड किप्स एवं ए बी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। फिर आया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। इसमें माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 7 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं हम लोग भारत के महान शहीदों के बारे में। ये नाम है उनके, इस संबंधित घटनाएं और सजा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खुदीराम बोस की। तो 1908 में सेशन जज कैंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे और 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई है। तो याद रखिए खुदीराम बोस को 8 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। फिर अशफाकउल्लाह खान तो 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में गिरफ्तबंदी बनाए गए और 18 दिसंबर 1927 को फांसी हुई है। फिर है ऊधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई है। फिर बात करते हैं हम लोग भगत सिंह, तो सांडर्स की हत्या एवं 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। सांडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई इन्हें। 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया इन्हें। फिर सुखदेव सांडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई इन्हें। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई इन्हें। बटू केशव दत्त की बात करें तो भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे।
उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला हुआ टू केसर दत्त। फिर बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की, तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए, 27 फरवरी 1931 को। फिर बात करते हैं मास्टर अमीचंद, दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 को में वायसराय के लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ उन्हें फांसी दी गई। फिर अवध बिहारी होने अवध बिहारी दिल्ली षड्यंत्र केस केस और लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को फांसी दी गई। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वैली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार किया गया और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को फ्लैग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्टर की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। रैंड एंड एवं एयरस्टर की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। राय राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई ने। फिर बात करते हैं वासुदेव बलवंत फड़के, एक सशक्त सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1889 में को गिरफ्तार हुए। इन्हें काला पानी की सजा के सिलसिले में अदर में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 में इन्हें प्राण त्याग दी। फिर करतार सिंह सराभा, फिर गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए करतार सिंह सराभा। फिर बात करते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, ये दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दी गई। फिर अनंत कन्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए और 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया। फिर बात करते हैं हम लोग विष्णु गणेश पेंगल, 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार हुए। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दी गई। ब्रिजकिशोर चक्रवर्ती मेदिनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार हुए और 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर लटका दिया गया। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदर्भ में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 को उन्हें फांसी दी गई।
असित भट्टाचार्य, इन्हें 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। वो 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दी गई। बात करते हैं जगन्नाथ शिंदे के बारे में। 16 को थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। वो 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दी गई। हरि किशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दी गई। फिर सूरसेन 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश संस्थागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 11 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दी गई। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों के शिकार हुए और लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। चलिए तो अब हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो ये हो गए वचन या नारे, और जिसने ये बोला है नाम हो गए। ठीक, तो इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने नारा दिया था। दिल्ली चलो किसने नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो किसने नारा दिया? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद किसने नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज किसने नारा दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने नारा दिया? भारतेंदु तेंदु हरिश्चंद्र ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने। आराम हराम है किसने कहा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे का नारा था। जय जगत किसका नारा था? विनोबा भावे का। कर मत दो किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। संपूर्ण क्रांति किसका नारा था? जय विकास नारायण। विश्व विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका नारा था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद का। वंदे मातरम किसका नारा था? वाकिम चंद चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय किसका नारा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो किसका नारा था? भगत सिंह। स्वराज हमारा अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। सरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने नारा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने? इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा था? लाला लाजपत राय। हु लिव्स एफ इंडिया डाइज किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अगला है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया ये किसका वक्तव्य था? अबुल कलाम आजाद का। ठीक, वे नारे थे प्रमुख। अब बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकाशित पत्रिकाएं पुस्तकों के बारे में। पत्रिकाएं हो गई वो पुस्तक और उनके लेखक या संपादक। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसकी थी? मदन मोहन मालवीय की थी। कौन कौन सी? अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन
मालवीय की। इंडियन मिरर मिरर वाम बोधनी किसकी थी? केशव चंद सेन की। इंडिपेंडेंट किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की। काल परांजपे की थी। कामरेड हमदर्द किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की। केसरी मराठी द मराठा अंग्रेजी गीता रहस्य इसके संपादक कौन थे? इनके बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री इसके इन सबके संपादक कौन थे? लेखक अरविंद घोष। नेशन इनके संपादक कौन थे? नेशन के गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली ए नेशन बंगाली रहे ए नेशन इन मेकिंग इसके संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इनके भवानी मंदिर कौन थे संपादक या लेखक? वरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंदू स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसके इन सबके संपादक कौन थे? लेखक महात्मा गांधी। संवाद को मोदी इसके संपादक राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश इसके संपादक ईश्वर चंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका इसके थे शिशिर कुमार घोष। वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट के कारण बंगला से अंग्रेजों में प्रकाशित होने लगा। रंगलाय कामन बिल न्यू इंडिया इसके संपादक थी एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान इसके संपादक लेखक थे तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी इसके सचिंद्र नाथ सन्याल। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया रष्ट गुप्तूर इसके संपादक इन दोनों के थे दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड इसके लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया वीमेंस फ्रीडम गुवारे खातिर अल हिलाल इसके संपादक अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया गिल्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी इसके संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर इसके संपादक लाला हरदयाल। इंडिया अनरेस्ट इसके संपादक सर वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस कौन थे? चितरंजन दास इसके संपादक। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट डेंस कौन थे? वीर सावरकर ने लिखा था। त्रय अंगुलीय होम एंड द वर्ल्ड एवं गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर याद रखिए गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र सोजे वतन करमभूमि शतरंज के खिलाड़ी ये पुस्तक लिखी प्रेमचंद ने। वांगे दरा तराने हिंद किसने लिखी? मोहम्मद इकबाल ने। भारत भारती किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत दुर्दशा किसने लिखी? भारतीयेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखी? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। आनंद मठ देवी चौधरानी बाकिंगम चट्टोपाध्याय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिराल उल अखबार प्रारंभ किया। अब यही देख लेते हैं हम लोग उपाधि एवं प्राप्तकर्ता एवं दाता। ठीक उपाधि प्राप्तकर्ता और ये दाता जिन्होंने दी। गुरु उपाधि है गुरु देव रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी थी? महात्मा की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की
उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वारदौली की महिलाओं ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुए। 1885 से 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहां देख लीजिए ऊपर से नक्शा में देख लेते हैं लोग, अमृतसर में हुआ 1919 में। अमृतसर में कब हुआ? 1919 में। आगे हम क्रम से देख लेंगे, यहां मानचित्र के मैप के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग ऊपर से नीचे से। अमृतसर में कब हुआ? 1919 में। लाहौर, लाहौर में कब हुआ? 1893, फिर 1900 में, फिर 1909 में, फिर 1929 में। तो याद रखिए लाहौर में चार बार हुआ, 1893, 1900, 1909 और 1929। फिर यही बात कर लेते हैं हम लोग कराची की, तो कराची में दो बार हुआ, 1933 और 1931। याद रखिए कराची में 1913 में हुआ और 1931 में, 13 और 31 में। फिर बात करते हैं मेरठ में, मेरठ में एक बार हुआ 1946 में। फिर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में तीन बार हुआ 1918, 1923 और 1932। दिल्ली में कितने बार हुआ? तीन बार, 1918, 1923 और 1932। फिर कानपुर की बात कर लें यहीं, तो कानपुर में 1925 में हुआ। फिर यहीं लखनऊ की बात कर लें तो 1899, 1916 और 1936। तो लखनऊ में तीन बार हुआ, 1899, 1916 और 1936। फिर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ 1892 में और 1910 में। 18 दो बार हुआ, 1892 और 1910। तिपुरी की यही बात कर लें तो 1929 में हुआ। हरिपुरा की बात कर लें तो 1938 में हुआ। यहाँ अहमदाबाद की बात करें दो बार हुआ, 1902 और 1921। अब पूर्व भारत की बात कर लें तो बांकीपुरा में 1912 में। बनारस की बात करें तो 1905 में बनारस में हुआ। गया बिहार में हुआ 1922 में। गुवाहाटी यहाँ हुआ, गुवाहाटी में 1926 में। रामगढ़ की बात करें तो 1940 में हुआ रामगढ़ में। अब बात करते हैं नागपुर, नागपुर में दो बार हुआ, 1891 और 1920। अमरावती, अमरावती में हुआ 1897 में। फैजपुर में 1837 में। सूरत में 1907 में हुआ। पूना में, पूना की बात करें तो पूना में हुआ 1895 में। बेलगाम इसमें 1924 में, इसी में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, केवल एक बार की, 1924 में बेलगाम में हुआ था। अब बात करते हैं काकीनाडा तो 1923। अब बात करते हैं कलकत्ता की तो कलकत्ता में हुआ सबसे ज्यादा बार 1886, फिर हुआ 1890, फिर हुआ 1896, 1901, फिर हुआ 1906 में, फिर हुआ 1911, फिर हुआ 1917, फिर हुआ 1920, फिर हुआ 1928, 1933। एक बार और देख लेते हैं कलकत्ता के, 1886 में हुआ, फिर हुआ 90 में, 1890, फिर 1896, फिर 1901, फिर 1906, फिर 1911 में, 1917 में, 1920 में, 1928 में और 1933 में, 10 बार हुआ कलकत्ता में। ठीक है, अब बात करते हैं बंबई की बात तो बंबई में हुआ 1885 में प्रथम हुआ था, फिर 1889, फिर 1904, 1915, 1918 में,
1934 में। मद्रास की बात कर लें तो 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914 और 1927 में हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्रम बाई क्रम। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला 1885 में, ये हुआ बंबई में। इसकी अध्यक्षता की थी व्योमचंद बनर्जी ने। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर दूसरा हुआ 1886 में, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसमें अध्यक्षता की। पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, पहले के अध्यक्ष थे व्योमचंद बनर्जी, दूसरे के दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ, इसमें बदरुद्दीन देव जी ने भाग अध्यक्षता की। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिए। तीसरा जो अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला देखें चौथा, तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, जॉर्ज यूल, याद रखिए इलाहाबाद में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, मद्रास में हुई थी, तीसरी में बदरुद्दीन तैयब जी। पांचवे की बात करें तो 1889 में बंबई में हुई, इसकी अध्यक्षता की सर विलियम विडरवन ने। छठा हुआ 1890 में, ये कलकत्ता हुआ, इसकी अध्यक्षता की सर फिरोज मेहता, शाह मेहता ने। सातवा हुआ 1891 में, ये नागपुर में हुआ, पी आनंद चालू ने इसकी अध्यक्षता की। आठवा हुआ 1892 में इलाहाबाद में, व्योमचंद बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। नौवा हुआ 1893 लाहौर में, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। दसवा हुआ 1894 मद्रास में, अल्फ्रेड बेब, कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ इस समय। ग्यारहवा हुआ 1895 में पूना में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें इसकी अध्यक्षता की। फिर बारहवा हुआ 1896 कलकत्ता में हुआ था, रहीम तुल्ला सयानी ने अध्यक्षता की। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिए 1896 में। बारहवा अधिवेशन था। तेरहवा हुआ 1897 अमरावती में हुआ, सी शंकरन नायर ने इसकी अध्यक्षता की। चौदहवा हुआ 1898 में मद्रास में हुआ, आनंद मोहन दास ने इसकी अध्यक्षता की। पंद्रहवा हुआ 1899 लखनऊ, रमेश चंद दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। सोलहवा हुआ 1900 में लाहौर में, एन जी चंदावरकर ने इसकी अध्यक्षता की। सत्रहवा 1901 में कलकत्ता में, दिनसा इदुलची वाचा ने इसकी अध्यक्षता की। अठारहवा सम्मेलन हुआ 1902 में अहमदाबाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। उन्नीसवा हुआ 1903 में मद्रास में, लाल मोहन घोष ने इसकी अध्यक्षता की। बीसवा हुआ 1904 में बंबई में, सर हेनरी काटन ने इसकी अध्यक्षता की। इक्कीसवा हुआ 1905 में बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। बाईसवा हुआ 1906 में कलकत्ता में, दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। याद रखिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, 22वें में दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 23वां हुआ 1907 में सूरत में, डॉक्टर राज बिहारी घोष की इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत में हुआ था, इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राज बिहारी घोष। 24वां की बात करें 1908 में मद्रास में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी बोस इसकी भी अध्यक्ष थे। 25वां 1909 लाहौर, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 26वां 1910 में इलाहाबाद में हुआ, विलियम बिडरमन इसके अध्यक्ष थे। 27वां 1911 में कलकत्ता में हुआ, पंडित शिवनारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगणमन गाया गया कलकत्ता में। 28वां हुआ 1912 में, बाकीपुर आर एन माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। याद रखिए 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, और 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया। 29वां 1913 में
कराची में हुआ, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 20वां 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु केस के थे। 31वां 1915 में बंबई में हुआ, सर सत्येंद्र किशन सिंघा इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भाग लिया था इसमें। 32वां 1916 में हुआ लखनऊ में, अंबिका चंद चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ इस लखनऊ समझौते। 33वां 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, प्रथम महिला थी याद रखिए। फिर विशेष अधिवेशन 1918 बंबई में हुआ, हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ इसमें। 34वां 1918 दिल्ली में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। 35वां 1919 में अमृतसर में हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 36वां 1920 में लाहौर नागपुर में हुआ है, 36वां 1920 में नागौर नागपुर में सी बी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया इस बार। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। 37वां 1921 में अहमदाबाद में हुआ, हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष थे। 38वां 1922 में हुआ गया, देशबंधु चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 39वां 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में हुआ, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। 40वां 1924 बेलगाम में हुआ, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। 41वां 1925 में कानपुर में हुआ, श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी याद रखिए। 1917 में कलकत्ता में हुआ था जो श्रीमती एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और जी श्रीमती सरोजिनी प्रथम भारतीय महिला थी ठीक। 42वां 1926 में गुवाहाटी में हुआ, एस श्रीनिवास अयंगार इसके सदस्य थे, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए इस अधिवेशन में। अब बात करते हैं 43वां 1927 में हुआ मद्रास में, डॉक्टर एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। 44वां 1928 में हुआ कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 45वां 1929 में हुआ लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, पूर्ण स्वराज की मांग हुई इसमें। 46वां 1931 में कराची में हुआ, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें भाग लिया अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकारों की मांग हुई याद रखिए, मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई, 1931 में हुए 46वां कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, तभी मौलिक अधिकारों की मांग हुई। 47वां 1932 में दिल्ली में हुआ, अमृत रणछोड़ दास इसके सेठ इसके अध्यक्ष थे। 48वें की बात करें तो 1933 कलकत्ता में हुआ, श्रीमती नेली सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष थी। 49वां 1934 में हुआ बंबई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 50वां 1936 लखनऊ में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 51वां 1937 में फैजपुर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये फैजपुर में। 52वां 1938 में हुआ हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 53वां 1939 में हुआ त्रिपुरी में, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष थे। 54वां 1940 में रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष चुने गए। 55वां 1946 में मेरठ में आचार्य जी वी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष, आजादी के समय अध्यक्ष थे याद रखिए आचार्य जी वी कृपलानी। 56वां 1948 में जयपुर में हुआ, बी पट्टाभी सीतारामैया। 57वां हुआ 1950 में नासिक में, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे याद रखिए ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में यह हुआ था, पृथ्वीराज ने गौरी मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ तो याद रखना 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज
पृथ्वीराज को हराया था। याद रखिए, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ जो, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। फिर हुआ चंदावर का युद्ध, तो 1194 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526, याद रखना पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फिर हुआ खानवा का युद्ध 1527, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। फिर बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कब, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में, अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध हुआ 1565 में, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 1556 में, 1576 में, सॉरी 1576 में, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई इसमें। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। फिर हुआ बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रोहिला के युद्ध कब हुआ 1774 में, खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 में, निजाम की पराजय हुई इसमें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ 1857 में, भारत चीन युद्ध कब हुआ 1962 में, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ 1965 में, द्वितीय पाक युद्ध कब हुआ 1971 में। याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक एवं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ 1914 से 18 तक, द्वितीय हुआ 1939 से 45 तक। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं प्रमुख राजवंशों के बारे में, संस्थापक उनके और राजधानी। ठीक है, हरक वंश इसका संस्थापक था बिंबिसार, राजगृह इसकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश इसका संस्थापक था शिशुनाग, वैशाली इसकी राजधानी थी। नंद वंश इसका महापदन नंद इसका संस्थापक था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य था इसका वंश संस्थापक, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कर्ण वंश वसुदेव था इसका संस्थापक, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सातवाहन वंश सीमुक था इसका संस्थापक, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश श्रीगुप्त था इसका शासक संस्थापक, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। हूण वंश तोरमाड़ इसका संस्थापक था, सियालकोट इसकी राजधानी थी। सेन वंश सामंत सेन था इसका संस्थापक, लखनौती इसकी राजधानी थी। परमार वंश उपेंद्र था इसका संस्थापक, धारा नगरी इसकी राजधानी थी। गहड़वाल वंश चंद्रदेव था इसका शासक, कन्नौज इसकी राजधानी थी। बात करते हैं हम लोग आगे, गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम था इसका संस्थापक, कन्नौज इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश दंतीधर था इसका संस्थापक, मान्यखेट इसकी राजधानी थी। सियद वंश खिज्र खां था इसका शासक, दिल्ली इसकी राजधानी थी। लोदी वंश बहलोल लोदी था, दिल्ली इसकी राजधानी थी। फिर चोल वंश विजयालय था इसका संस्थापक, तंजौर इसकी राजधानी थी। पांडव वंश नेडियोन था इसका शासक संस्थापक, मदुरे इसकी राजधानी थी। यादव वंश बिल्लभ पांच था इसका शासक, पंचम देवगिरी इसकी राजधानी थी। होयसल वंश विष्णुवर्धन था इसका संस्थापक, द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। कलचुरी वंश कोक्कल इसकी संस्थापक था, त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। सालो वंश नरसिंह था इसका संस्थापक, विजयनगर इसकी राजधानी थी। तुलो वंश वीर नरसिंह था इसका संस्थापक, विजयनगर इसकी राजधानी थी। सोलंकी वंश मूलराज था इसका संस्थापक, अनहिलवाड़ इसकी राजधानी थी। सरकी वंश मलिक सरवर था इसका संस्थापक, जौनपुर इसकी राजधानी। भोसले वंश शिवाजी था इसका संस्थापक, रायगढ़ थी इसकी राजधानी। पाल वंश
गोपाल था इसका संस्थापक, मुंगेर इसकी राजधानी थी, चौहान वंश वासुदेव था अजमेर इसकी राजधानी थी, लोहार वंश संग्राम राज था इसका संस्थापक। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, देखते हैं कुषाण वंश इसका संस्थापक कुजुल कड़फीसेस था, पुरुषपुर इसकी राजधानी थी, वर्धन वंश पुष्यभूति था इसका संस्थापक, थानेश्वर या कन्नौज इसकी राजधानी थी, चंदेल वंश नन्नुक था इसका संस्थापक, खजुराहो या महोबा इसकी राजधानी थी, पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर्थ था इसका संस्थापक, कंचीपुरम इसकी राजधानी थी, सुंग वंश पुष्यमित्र सुंग था इसका संस्थापक, पाटलिपुत्र राजधानी थी, चालुक बदामी ये जयसिंह था इसका संस्थापक, प्रथम बतापी इसकी राजधानी थी, चालुक बेंगी विष्णुवर्धन था, बेंगी इसकी राजधानी थी, चालुक कल्याणी तैलक सेकंड था, मानकेट कल्याण इसकी राजधानी थी, फिर है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका संस्थापक, दिल्ली, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी था इसका संस्थापक, दिल्ली राजधानी थी, तुगलक वंश ग्यासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था, दिल्ली इसकी राजधानी थी, कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह इसका संस्थापक था, गोलकुंडा इसकी राजधानी थी, आदिल शाही वंश आदिल शाह था इसका संस्थापक, बीजापुर इसकी राजधानी थी, निजाम शाही वंश तो इसका संस्थापक मलिक अहमद था, अहमदनगर इसकी राजधानी थी, इमाद शाही फतेहउल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था, बरार इसकी राजधानी थी, कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाही इसका संस्थापक था, गोलकुंडा इसकी राजधानी थी, आदिल शाही वंश आदिल शाह इसका संस्थापक था, बीजापुर राजधानी थी, निजाम शाही मलिक अहमद था इसका संस्थापक, अहमदनगर इसकी राजधानी थी, इमाद शाही फतेहउल्लाह इमाद शाह बरार इसकी राजधानी, संगम वंश हरिहर एवं बुक्का था इसका संस्थापक, विजयनगर इसकी राजधानी थी, बहमनी वंश हसन गंगू था इसका संस्थापक, गुलबर्गा बीदर इसकी राजधानी थी, आरबीडू वंश तिरुमल इसका संस्थापक था, पेनुकोंडा इसकी राजधानी थी, वरीद शाही अमीर अली वरीद था इसका संस्थापक, बीदर इसकी राजधानी थी, मुगल वंश बाबर इसका संस्थापक, दिल्ली आगरा इसकी राजधानी थी, कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन था इसका संस्थापक, उत्पल वंश इसका अवंती वर्मन था संस्थापक, हैदराबाद के निजाम निजाम उल मुल्क था हैदराबाद इसकी राजधानी थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग सामाजिक सुधार अधिनियमों के बारे में। शिशु वध प्रतिबंध ये बेली जली ने किया, गवर्नर जनरल वर्ष 1798 से 1805 शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा, सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय लगा 1829 में, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा इसमें, दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो था इस समय इसके कार्यकाल में लगा 1843 में, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग था इस समय इसके कार्यकाल में हुआ 1856 में, विधवा विवाह की अनुमति नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ विक था इस समय इसके कार्यकाल में हुआ 1872 में, अंतरजातीय विवाह एज ऑफ कंसेंट एज एक्ट लेंस डाउन था इस समय इसके कार्यकाल में हुआ 1891 में, लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई, फिर है सरदार एक्ट शारदा एक्ट इरविन के समय हुआ है 1930 में, विवाह के लिए न्यू लड़की की न्यूनतम आयु रखी गई 14 वर्ष, लड़कों के लिए आयु रखी गई 18 वर्ष। ठीक है, तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत देख लिया हम लोगों ने, अब है आधुनिक भारत को देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात की हमने आधुनिक प्राचीन भारत के बारे में, फिर आधुनिक भारत प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। तो याद रखिए हमारा भारत का इतिहास निपट चुका है प्राचीन मध्य और आधुनिक काल। ठीक है।